मम्मी आज क्या बना रहे हो? आज मैं बना रही हूँ लाल मिर्च और लहसुन की चटनी, एक नए तरीके से बना रही हूँ, तड़के वाली। इसकी बहुत टेस्टी बनती है। हाँ जी। और ये जानवर ठंडी रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है, या मिस्सी रोटी हो, बाजरे की हो, इसके साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसके लिए मैंने 8-10 मिर्चें गर्म पानी में भिगो कर रख दी थी 2-3 घंटे पहले। ये कौन सी मिर्चें हैं? ये मीडियम हॉट मिर्चें हैं, ना ज्यादा तीखी है ना ज्यादा मीठी है। अगर साबुत लाल मिर्च, हाँ जी साबुत लाल मिर्च है। अगर आपको तीखी नहीं खानी तो आप मीठी मिर्चें भी आते कश्मीरी लाल मिर्च डाल के बना सकते हैं। 2 तीखी डाली, बाकी कश्मीरी लाल मिर्च डाल लीजिए। ठीक है। तो इनको मैं अब डाल रही हूँ ग्राइंडर में। ये कितनी देर भिगो के रखी आपने? मैंने 2 घंटे भिगोई है गर्म पानी में। गर्म पानी धो के अच्छे से, अच्छे से धो के। ठीक है। तो अब इसमें मैं लहसुन की 4-5 कलियां डाल दूंगी। ठीक है। और नमक है, ये स्वाद अनुसार। स्वाद अनुसार। और दही डालेंगे हम थोड़ी सी। दही कितनी लेनी है? ये 2 चम्मच ली है मैंने। ठीक है। तो इसको हम पीस लेंगे। ठीक है। तो ये देखिए पीस लिया मैंने, कलर कितना अच्छा आ रहा है इनका। तो मीनवाइल मैंने यहाँ पे सरसों का तेल गर्म करना रख दिया था 2 चम्मच। तो इसमें मैं अब जीरा डालूंगी थोड़ा सा, 1/4 चम्मच डालना है जीरा हमने, क्योंकि हमारी चटनी थोड़ी ही है। अच्छा, इसमें हींग वगैरह कुछ नहीं डालेंगे? नहीं, जो लोग लहसुन नहीं खाते वो हींग डाल लें फिर चटनी, और सिर्फ मिर्चें और दही से पीस लें बस। अच्छा, इसके बाद इसको छौंक लगाना। छौंक लगाना है हमने। तो भाई इसको आप चलाते रहिए, 2 मिनट में आपकी चटनी बन के तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा पकाने के बाद हम बताते हैं आपको। चटनी हमारी बन के तैयार है, इसमें तेल छोड़ दिया और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो हमारी ये स्पाइसी लहसुन और मिर्च वाली चटनी तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करने जा रही हूँ। तो ये लहसुन और सूखी लाल मिर्च की चटनी, जो जिसमें दही का छौंक लगाया गया है, दही डाल के बनाया गया है, बनके तैयार है। बहुत आसान रेसिपी है। सिर्फ हमारे साबुत लाल मिर्चें इसमें हमें चाहिए, जो हमारे घर में आई थिंक पड़ी होती हैं, अवेलेबल होती हैं। और ये चटनी थोड़ा हटके बनती है, क्योंकि हम हरी मिर्च की चटनी तो अमूमन खाते रहते हैं, बट ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है, एक राजस्थानी स्टाइल है इस चटनी का। आप इस चटनी को बासी रोटी के साथ खाइए। बासी रोटी का मतलब है, अगर आपने रोटी सुबह बनाई है तो आप शाम को उस एक रोटी को बचा कर रखिए और शाम को इस चटनी के साथ इंजॉय करें, तो आपको इसका टेस्ट चटनी का बहुत अच्छा आएगा उस रोटी के साथ। तो या बाजरे की रोटी के साथ भी, ज्वार की रोटी के साथ ये चटनी बहुत अच्छी लगती है, राजस्थान में अमूमन खाई जाती है। तो आपको ये चटनी कैसे लगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको पूरी रेसिपी कैसे लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।